हे गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटर, एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। तो अभी हम लोग SSC CHSL का लगातार मैथमेटिक्स का वीडियो डाल रहे हैं, तो प्रीवियस सर का आप लोग प्लीज देखिए और जो भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताइए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में हर एक चीज को सॉल्व कर देंगे। तो आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा अभी भी। तो चलिए आज का जो सेट है वो है 26/5/2022 ना जी। यस सर, 26/5/2022 और ये है 9 से 10 AM वाला है। तो ये है हमारा फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, ये CHSL हम बता रहे हैं, CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन। तो अभी बहुत तरह के एग्जाम होते हैं, पता ही है, मैट्रिक लेवल का होता है MTS, इंटर लेवल का होता CHSL, डिग्री लेवल का होता CGL और पीजी लेवल का अभी तक कोई नहीं निकला है। तो सरकार को ये पॉलिसी लाना चाहिए कि पीजी वाले के लिए भी एग्जाम हो, जिससे कि बहुत सारे लोग पीजी भी करे। चलिए तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन। एक पाई चार्ट दिया हुआ है और उसमें बोल रहा है कुल मासिक अव्यय कितना दे दिया जी। तो महीने में केवल भोजन और चिकित्सा पर, देखो भोजन और चिकित्सा, भोजन पर कितना 28, भोजन पे 28 और चिकित्सा पर कितना जी 10. चिकित्सा पर है आपका 10, तो 28 10 कितना हो गया 38, और 100 में हमारा निकालना है, गुने हमारा दिया हुआ है 100 का मान दिया 70,000, ठीक है, ये सुनना से ये सुनना चला गया, तो हो गया 38 × 700, तो हो गया सुनना सुनना 8 × 56, 5 × 7 = 5, 266,100। नहीं सर, वो पूछा है वो दोनों खर्चा के बाद कितना बचता है। अच्छा 62% निकालना है। ओ माय गॉड, पहले बोलना था जी 38 घट गया तो 62 निकालना है, ठीक है 62। तो इसका मतलब 0 0 7 2 14, हाथ में 1 7 6 42 43, 43,400, ठीक है, ठीक है। महीने में केवल भोजन चिकित्सा पर किए गए व्यय के बाद परिवार, तो वहां पे भूल से भी ये नहीं देख लेना है कि वहां पे वही निकाल देना है जैसे हम निकाल दिए थे, तो उसमें भी घटाना पड़ता, ठीक है, उसमें भी निकल जाता, ठीक। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ। और जितना भी हमारे CHSL के व्यूअर है, मैं सभी से यही कहना चाहता हूँ कि अपना कमेंट जरूर रखें, सजेस्ट करें कि और हम किस तरह से और भी बेहतर आप लोग के लिए वीडियो बना सके। हमारा एक ही नारा, बेहतर से बेहतरीन बनाना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। और एक चीज और है कि जो हमारा कंटिन्यू वीडियो देख रहे होंगे लग रहा है कि और इस तरह क्वेश्चन हम बना चुके हैं, एक ही तरह क्वेश्चन का लगातार आते जा रहा है क्या जी। तो हमारा क्वेश्चन देखो तो क्या बोल रहा है, 2A + 5B = 12 और AB कितना है जी 3, तो 4A² + 25B² यही ना पूछा है, स्क्वायर कर दो, 2A + 5B का स्क्वायर कर दो, अपने आप सब निकलते जाएगा, हो जाएगा 4A² + 5 कितना हो जाएगा 25B² + 2AB, क्या होता 2AB, तो 2 × 5 = 10 × 20AB, बस बैठा दो, इसका वैल्यू दिया 12 का स्क्वायर कितना 144, इसका वैल्यू निकालना छोड़ दो और इसका हो जाएगा माइनस कर दो यहीं पे 20AB, यानी 20 × 60 घटा दो बराबर यही निकल जाएगा, कितना हो गया देखो 40 × 4 = 44 कितना हो गया 84, हमारा क्या हो गया आंसर। कोई परेशानी अभी तक, दो नंबर तक कोई दिक्कत नहीं, क्या हो किसी भैया को दिक्कत है, और हमारे कोई भी दीदी लोग देख रही है तो कोई दिक्कत है तो बता दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे फोकस करने स्टार्ट कर देते हैं, और स्पीड हमेशा बरकरार इतना रखें कि हम लोग 30 से 35 मिनट में भी हम लोग 25 क्वेश्चन को बना सके, ठीक है, वीडियो के अंदर में, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 पे देखते हैं, 3 हमारा कह रहा है सॉल्व करो, स्क्रीन पे आपका दिख ही रहा, सीधे हम लिखते हैं 3 × 7 = 6 = 27 ना जी, 27/7 भागा है तो उसको पलटा दो तुरंत, 7/54, तो ये देखो 7 7 खत्म, 54 से 27 × 54 यहाँ तक हो गया, यानी माइनस अब है 3 और माइनस 2 × 8 = 3 = 11/4 -3/2 और इसको बंद करके प्लस ए है ना जी, प्लस ए भागा 4 यही ना है,
ए भागा चार बराबर जीरो, ए का मान पूछ रहा है, कोई बात नहीं। तो ये एक बटे दो हुआ ना यहाँ पे, माइनस हुआ ना, ये तीन हुआ ना, चार दुना आठ यहाँ पे हुआ ना, चार दो काल से हम चार ले लेते हैं, ग्यारह माइनस यहाँ पे तीन दुना छ, सीधे लिख दें छ, यानी छ पांच ग्यारह, पांच बटे चार लिख दें। चलो और इधर हो गया प्लस ए बटे चार लिख दें, भागा का मतलब यही होता है बराबर जीरो, ठीक। एक बटा दो हो गया माइनस चार तिया बारह, बारह में पांच गया सात, बटा चार लिख दे सीधे। और लिख देते हैं प्लस ए बटे चार, एक बार और लिख देते हैं बराबर जीरो। अब दो चार का चार का एलसीएम सीधे लिख दें, चार चार यहाँ पे कितना हो जाएगा, दो यहाँ पे कितना हो जाएगा, सात यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बराबर जीरो। ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, उधर जीरो ही है, जीरो कर देंगे, रहने दो, ये खत्म हो गया। तो हो गया ए बराबर पांच आंसर हो गया, कोई दिक्कत डाउट। तो हम लोग क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे, देखने में भारी लगे लेकिन हम लोग सब क्वेश्चन को यूं ही रगड़ देंगे, सब सही होते चला जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चार, ज्योमेट्री देखते हैं तो लगता है पता नहीं क्या होगा, आसान है, आसान तो होगा ही लेकिन हम लोग बना। तो चार नंबर बोला खाली आसान है दिख रहा है इसमें, इसलिए मतलब त्रिभुज एबीसी दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, बहुत ही बढ़िया, इतना बढ़िया बात बोल दिया ना कि दिल गदगद हो गया ना जी। ए बी सी, दूसरा पी क्यू आर, लगता सर्वांगसम करना पड़ेगा इसको ना जी। ए बी बराबर एसी बाबू, ए बी बराबर एसी, ए बी बराबर एसी बहुत बढ़िया, और पी क्यू बराबर पी आर, बहुत बढ़िया। अब इसके साथ ही ए बी बराबर पी क्यू बाबू, ये बराबर ये और ये बराबर, ठीक है, यही बोला होगा जी। तो जैसे ही दो भुजा बराबर हो जाए इस तरह का, तो हम लोग जानते हैं एस 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 से त्रिभुज पी क्यू, मतलब ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। जैसे सर्वांगसम होगा ई कोनवा बराबर ई कोनवा, ई कोनवा बराबर ई कोनवा, ई कोनवा बराबर ई कोना। तो बाबू कोनवा कौन पूछा, कौन बी, कौन बी कितना दिया है, फिफ्टी, एक कौन भी फिफ्टी, तो ये भी फिफ्टी, ये भी फिफ्टी, तो ये भी फिफ्टी, तो ये कितना, कौन पूछा कौन सी, कौन आर, अरे फिफ्टी आंसर, ठीक है। अगर कौन पी पूछता तो एक सौ डिग्री होता ना, अस्सी डिग्री, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जोड़ घटा आता है सब। तो हम लोग आसानी से क्वेश्चन को खत्म कर दिए, परेशानी नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े पांच नंबर, यूं ही हम लोग खत्म कर देंगे। बोलता है एक में पहले पहले कितना वृद्धि हुआ, 20%, फिर कितना हुआ, 20% कमी। तो जब भी 20 और 20 देखो यहाँ पे, प्लस 20 फिर माइनस 20 फिर प्लस माइनस, माइनस 20 गुने 20 और बटे 100, और इसका ट्री का सीधे एक्स स्क्वायर बटे, तो कितना हो जाएगा माइनस 4% का, यानी 4% का कमी हो गया। ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 सूत्र होता है ये, क्या या तो ऐसे भी बना लो एम टू से जो हम लोग बताते रहते हैं, पहले 100 गुना 100 था, पहले 20% का वृद्धि हुआ, फिर 20% का कमी हो गया, खत्म खत्म। 100 बराबर 96, 100 बराबर 96 कितना कमी हो गया, 4% का कमी हो गया, ठीक है। चले आगे बढ़े, बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन नंबर, हम लोग 6 तक पहुंच गए तुरंत, देखो कितना स्पीड में 6 नंबर तक पहुंच गए। तो 6 नंबर में कहा प्यारे बच्चों, इतना दीवार कितने ईंटों, अरे भैया ईंट की संख्या बड़का आयतन, सॉरी बड़का आयतन बटे छोटका आयतन, तो बड़का आयतन कौन ला दिख रहा, ऊपर वाला फर्स्ट वाला, मतलब 8 मीटर मतलब 800 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 मीटर मतलब 600 सेंटीमीटर, 22.5 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया, इसमें कुछ नहीं करना। नीचे में हो जाएगा 26 × 11.25 × 6, 6 ई पॉइंट से और ई पॉइंट से एगो यहाँ पूरा में एक्स्ट्रा होगा ना जी, तो 26 से कुछ 13 से कटाओ कि नहीं, अरे जो जो कटता पहले कटाओ ना, ये 100 बार में कट गया, 5 से कटा दो या 25 से कटा दो, 2500 का 100 और 25×5 = 125, फर्स्ट 25 और 25 नंबर 26 लिख दी, कहाँ पे नीचे हुआ होगा, 26 के जगह पर 25 था, हाँ अरे तो ये हमको 25 आँख से प्रॉब्लम है, हमको 26 दिख रहा, तो बोले 25 25 से तो 25 नंबर 200 25 से 100 25 से 4 बार में ही खत्म,
नौ से पांच बार में ही खत्म, पांच से दो बार में खत्म, 6400 हमारा ईंट का जरूरत पड़ेगा। देख रहे हैं, देख रहे हैं भाइयों मेरे, तुम्हारे ही पिछले साल का CHSL का है, ए तुम्हारे ही पिछले साल का CHSL का है। और आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वहां घबराइए बस एग्जाम में नहीं, सब एग्जाम सही हो जाएगा। और सभी चीज को अटेम्प्ट ले, जीके ना छोड़े, इंग्लिश ना छोड़े, मैथ ना छोड़े, रीजनिंग ना छोड़े, छोड़े क्या, कुछ नहीं, स्पीड बनाना है, अदरवाइज टाइम आपका चला जाएगा, है कि ना जी। टाइम ही मैनेज करने में दिक्कत होता है ना सूरज भैया, ये ना चला नंबर, अगर थोड़ा सा और टाइम दिया रहता तो क्या सारा अटेम्प्ट ले पाता है, ले लेता, तो ये तो है कि खत्म हो जाता टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 7, यदि मोना और सोना मिलकर, देखो मोना और सोना बढ़िया नाम दिया है, मोना प्लस सोना कितना दिन में, 18 दिन में, और सोना कितना, 24 दिन में, दोनों कैल्शियम कितना, 72, अच्छा ये कितना, 4, ये 3, अब क्या बोला मोना कितना दिन करेगा, मोना, अरे मोना 72 दिन करेगा, है कि नहीं। जब एक आंसर आता है ना, जो कमर आता है वही आंसर बाद दिन भी जाता है, ये दिमाग में रखना है, तो हम लोग को बनाने की जरूरत नहीं पड़ता है। समझ में आ गया है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, आराम से बना रहे हैं, ठीक है। 15 मिनट हुआ होगा अभी, 11 मिनट में देखे 7 क्वेश्चन सॉल्व कर, इसका मतलब कुछ तो स्पीड है, देखते हैं कहां तक पहुंचते हैं स्पीड में। 21 मिनट में त्रिभुज एबीसी बी सम को देखिए दीजिए, फटाक बी संपूर्ण बना दीजिए इस तरह का, वहां पे भी स्पीड में बनाइएगा, हाँ ये तो इसी को भी ए और सी मान लीजिए, ठीक है, खाली समकोण पकड़िए और किसी को मान लीजिए। तो टेन ए बराबर टेन ए, देखिए इसको पकड़ना है, तो ए यहाँ पे रखिए, जहां पे जो दिया ना उसको ए यहाँ रखने में ज्यादा सुविधा है, ठीक है। टेन ए बराबर 1 बाय, तो पी और बी दिया हुआ है, ए दिया है, पी ए करिए रूट अंडर 3, तो ये निकलेगा ऑटोमेटिक 2 निकलेगा, ये निकलेगा, ये निकाल के देख लेना है, ठीक है। तो इस तरह के बात को समझना होगा। अब क्वेश्चन मैम कुछ बोला, बोला साइन ए, देखिये ए को पकड़ना, साइन ए तो साइन ए मतलब हो गया पी बटे एच, तो 1/2 हो गया। और कॉस सी, देखिए जो साइन ए होगा वही कॉस सी होगा, ठीक है, इसका मतलब यहाँ भी 1/2। और प्लस कॉस ए, कॉस ए बराबर होगा √3/2, ये भी √3/2 ही होगा, ये तो हम लोग जान गए कि 1/4 प्लस √3/4 और बराबर हो जाएगा 1 आंसर। कैसे हम लोग फास्ट में फास्ट 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 बॉल फेंक के भी एकदम हम लोग एकदम छक्के छक्के मार रहे हैं एकदम, हाँ आज गील बन जाएंगे हम लोग, गील गील जाएंगे सबको, गील, ठीक है, सबको गिला दिया उसने जी, उधरों से ब्रेस ब्रेस मार रहा था उसको वेल कर दिया बाद में, ठीक है। तो हम लोग क्रिकेट वैसे हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हम जान गए हैं एक चीज, हम जान गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, कि क्रिकेट से जीवन उसी का सुधर सकता जो खेलता है, बाकी देखने वाले का जीवन जीवन मनोरंजन से भर देता है, सब छक्का छक्का सब लगता है, लेकिन ना ना बाबा ना, पहले कर ले अपना करियर को सुधार, बाद में ले लेते रहना जितना उधार है कि नहीं जी। अगर नौकरी लग गया वहां पे भी क्रिकेट देख लोगे तो कुछ हरज नहीं है, वहां कोई हरज नहीं है, देख लो। लेकिन तुम पढ़ रहे हो और बोलो क्रिकेटो देखेंगे, पढ़वो करेंगे, ना होगा बाबू, या तो छोड़ दो क्रिकेट, या तो छोड़ दो पढ़ाई, अगर छोड़ दोगे क्रिकेट तो पढ़ाई बढ़िया होगा। हाँ चलो 8 नंबर, ज्यादातर बच्चा को गड़बड़वा दे रहा क्रिकेट, ठीक है, ज्यादातर बच्चा खेलो पढ़ खेलोगे कूदोगे बनोगे एक बढ़िया, बट पढ़ाई उससे भी है खतरनाक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें, क्वेश्चन नेक्स्ट है 8 के बाद 9 नंबर, सीरियली वाइज सचिन बहुत बढ़िया काम कर दिए हैं आप, है 9 नंबर में बोलता 15 एथलीट और 3 प्रशिक्षु, कितना हो गया टोटल, 18 × 60, 18 × 60 मतलब 188 से 180। आप बोला कि जब 63 kg का वजन का 4 और एथलीट शामिल कर दिया, बताइए जी 63 kg का 4 गो एथलीट, 63 × 4 तो 4 × 12 = 252। आप लोग क्या उतना फास्ट कर लेते हैं, ना अच्छा लगता है, तो सावे शामिल करे तो बोलता है औसत वजन कितना, 1332। ऐसा ना कीजिए मेरे साथ, ऐसा कहा करते हैं, तो कितना आदमी हो गया, 18 × 4 = 22, 22 × 6 = 132, 1 नहीं लगा, ठीक है, 22 × 5 = 110, 60.5 के आसपास होगा, और 60.5 के आसपास 1 = 61 ना जी,
कि कितना निकटतम पूर्णांक तक कितना लिया होगा? 61 लिया ना, आंसर देख लीजिएगा, क्योंकि वो उसका मीनिंग तो यही होता है 60.5 का मीनिंग। इधर ना जा सकते हो, उधर जा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 खत्म कर दिए, वाह 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 वाह, 10 नंबर भी हम लोग पहुंच गए, रास्ता गली मोहल्ला होते हुए पहुंच गए। किसी मुंडा ने पंजो ने 2 वर्ष चक्रवृद्धि, अरे अंतर दे दिया, ये तो हम लोग कितना बार पढ़े हैं, 2 साल वाला ना जी, 2 वर्ष के लिए हम लोग कितना बार रट चुके हैं कि 2 वर्ष में CI - SI बराबर P × R/100 2, और 3 वर्ष में अगर पूछ दे, तो CI - SI बराबर PE वाला तो रहबे करेगा, अरे वो एक्स्ट्रा जुटेगा × 300 + R बटे 100, ये अगर याद कर ले तो बहुत ही सुंदर। तो हम लोग को इतने में जाना है जी, तो दे दिया है अंतर कितना, अंतर दिया 1725, पी का मान निकाल देना है, आर का मान दे दिया 25, यानी 25 × 1/4 × 4 16 से इसको गुना कर दिए फटाफट, 16 × 5 = 80, 8 16 × 32 = 40, 4 16 × 72 = 4, 16 × 11 = 111 और 16 × 11 = 27, 27 × 600 बहुत ही बढ़िया। कोई दिक्कत कोई परेशानी? ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग बढ़ते हैं और परेशानी को देखते हैं 11 नंबर में क्या बोल रहा। 8R, ठीक है, 8R R² - 8R + 1, ठीक है, अरे बोल दो कोई, हाँ हाँ ठीक है, बराबर कितना 1/14, तो बोल रहा है R + 1/8, अरे ये तो सिंपल है, सॉल्व पहले कीजिए जो होगा, 14 बोले R² - 8R + 1 14 × 112 = 112 ना जी, ले आइए इधर R² - -120, हाँ बहुत बढ़िया, गजब गजब, आप इतना फास्ट काहे इतना हो गए आप लोग, बहुत बढ़िया, बराबर 0 ना जी। तो R कॉमन ले लीजिए भाई, R कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे अच्छा R, यहाँ पे 120, यहाँ पे 1/R बराबर 0, तो R + 1/R = 120 आंसर हो गया, बताओ। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, और नहीं आ रहा होगा कल हमको राहुल हमको दिया है लाख, यही क्वेश्चन कोई दम नहीं रहता है सर, तो चलिए हम लोग भी उसी को लेके सोचे कि नहीं बनबे करेगा है, तो क्वेश्चन को देख करके ही हम बता सकते हैं कि हमारा कौन क्वेश्चन नहीं बनेगा, कौन क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम देख लेते हैं पहले ही, हाँ मेरा अंतर्ज्ञान कहता है कि ये बनेगा, चलो 12 नंबर देता है, क्या बन जाएगा ना निर्मल बम बम पंकज, हमारा रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं भी अगर टोकने टकने वाला बात हो है, तो प्लीज टोका है, 500 का वेस्ट ना कर, 500 रुपया बहुत ही ज्यादा है, समझ गए कि ना समझ गए, इसीलिए उसका यूज करें, मिस यूज ना करें, बहुत खर्चा किया तुम लोग, 5000 हो चुका है तुम लोग का, ए नुनु 10000 हो चुका, 10000 और का भी खर्चा होगा, कितना होगा टोटल 30000 में एक महीना में सैलरी खत्म क्या जी। तो चलो हम लोग लेते हैं 12 नंबर, 12 नंबर हमारा है, एक कस्बे की जनसंख्या इतना 8% कमी क्या साल तक है जी, दूसरे में 5% भी, दूसरे वर्ष के अनुपात 80000 है, पहले साल में कितना कमी होता है 8%, तो 92 हो गया, लेकिन दूसरे साल में फिर वृद्धि हो गया, सॉरी दूसरे साल में वृद्धि हो गया कितना का, 105/100 सॉल्व कर दो, हो गया 80000 है, तो बहुत बढ़िया हुआ है क्या, इसको ऐसा कीजिए, इसको कर दीजिए 8 × 92 और 21 × 5, हाँ वही सोच रहे, तो इससे क्या होगा 8×5 = 40 हो गया, 92 × 21 × 40, ये सही रहेगा, 21 × 42 हाथ में 4 × 9 = 189 × 4 = 93, ठीक है, और 40 अब करने में आसान होगा, तो हो गया 0 × 4 × 8 4 × 9 = 12 9 × 36 = 37 4 × 3 = 7 77 × 280 गुना भाग देखे, अरे पहाड़ा को वही वही रटना है जो हम बताए तुम लोग को, और बाकी इस तरह तोड़ करके गुना भाग जल्दी करना है, स्पीड लेकिन इम्पोर्टेंट है, ठीक है चलो आगे बढ़े, चलो ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन हमको लग रहा है कि अभी डाउटफुल में है, देखते हैं फिर भी प्रयास करके, क्योंकि काटने 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े लंबवृत्त शंकु का आयतन क्या होगा, तो घन में काटना है, कैसे कटेगा जी, घन में काटना है
शंकु को कैसे कहेगा कह होगा। तो हमको लग रहा है कि जो आर होगा ना वो होगा भुजा, भुजा कितना दिया हुआ है दस दिया है, तो आर मेरे अनुसार 5 सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है, और एच हमारे अनुसार 10 सेंटीमीटर होना चाहिए ठीक है। तो निकालना कौन चाहिए शंकु का आयतन, आयतन देखते हैं इसमें प्रयास करके। इसीलिए शंकु का आयतन, शंकु का आयतन अगर हम लोग पढ़ लिए हैं तो बहुत ही बढ़िया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई का पाई रहने दिया है, आर का स्क्वायर मतलब 5 × 5 और एच का मतलब 10 और 3 तो 25 × 250 π/3 है इस तरह का, इसका मतलब बहुत सही लिया है। अरे तो यार तो फॉर्म में हम है लगता है सूरज, आज तो लगता है फॉर्म में हम है। आप लोग देख रहे हैं कि सर भी कभी फॉर्म में रहते हैं, कभी सर भी का भी दिमाग खराब हो जाता है, क्या कहें सर सर हो जाता है ना। तो लिख लो कि इस तरह का जब भी जान गया कि आज एक दिन में क्वेश्चन बनाए थे हम लोग नहीं बना पाए थे उस चीज को, हाँ लेकिन ये चीज सीख गए कि शंकु में घन में कोई भी काटेंगे बड़ा से बड़ा मतलब जो उसका भुजा होगा वो व्यास होगा और उसका जो भुजा होगा वो ऊंचाई भी होगा, ये चीज हम लोग को पता चल गया क्या। तो बनाते बनाते बहुत चीज पता चल जाता है निर्मल, हाँ किसी के साथ रहते रहते उसका भी खोल पोल खुल जाता है कि नहीं। चलो 13 भी हम लोग समाप्त कर दिए, आओ 14 नंबर देखे। Yes, बोलता है 14 नंबर कि दो अंकों की कितनी संख्या 3 या 5 विभाजित, देखो जी 3 या 5 इसका मतलब 3 × 5 का एलसीएम कितना 15। तो 15 से कितनी संख्या कटेगा, तो पहला बात है कि 15 तो कटबे करेगा पहला और 90 वो कटेगा, तो 15 × 15 और 15 × 6 = 90 1 + 6 − 1 6 संख्या कटेगी। थोड़ा क्या कटने वाला संख्या है, या का मीन दूसरा हो जाएगा जी, ए 6 इधर हुआ तो 3 और 5 से नहीं बोला था 3 या 5 से बोला, तो 3 से कटने वाली कितनी संख्या हो जाएगी 33 पहले 33 या 99 ना। तो सीधे सबसे बड़का हो गया 100 था, 100 × 3 से दिए 33 यहाँ हुआ और 100 × 5 यहाँ पे कितना 19 होगा, 19 × 5 = 95 ना, कि 20 होगा, 20 100 तो 3 अंक का हो जाएगा, अच्छा 3 अंक हो जाएगा ना 19, तो 33 + 19 − 6 कितना हो गया 19 में 6 गया 33 और 13 46 है क्या, 46 नहीं ऑप्शन कहीं गड़बड़ा गया क्या, तो 46 नहीं है कहीं गड़बड़ा आ गया था, क्या ही गड़बड़ा गया कैसे, 46 नहीं है ना 48 है, तो 33 और 9 गलती 44 होगा क्या, 33 दो अंकों की संख्या बोला है ना, जब 3 से तो 3 ही कट जाएगा, 12 से होगा ना, कौन है 3 जो होगा 12 से 12 कटेगा पहला ना, तो दो अंक बोला, अच्छा अच्छा ठीक है हाँ जी यहीं पे गड़बड़ हो गया, ठीक बोला तो यहाँ पे गड़बड़ हो गया, पहला जो है 2 अंकों में की 12 होता है और यहाँ पे 99 होता है यही ना, तो गड़बड़ यहीं पे हो गया था, तो 3 × 12 और 3 = 33 तो 4 + 33 − 1 यानी हो गया कितना 36 ये होगा और यहाँ पे हो जाएगा 5 से, तो 5 से होगा 15 पहले 10 और 10 भी होगा ना, 10 भी तो कटे और यहाँ पे 95 तो हो गया 5 × 10 और 19 × 5 = −1 19 × 2 = 21 20 हो गया 36 और 20 46 36 + 20 − 6 ये सही लिए है ना, हाँ ये तो सही लिए है 15 × 6 = 90 15 × 15 = 6 तो 20 और 36 कितना हुआ 50 हो गया डायरेक्ट सर 30 20 56 × 6 गया 50 एक होगा ऑप्शन में, पहले अभी बोलो आप क्या खाना चाहते हैं, आप लिखे 4 + 33 सर वही तो कहाँ पे 4 घट जाएगा ना 33 में 4 घट जाएगा,
और घटता है ना जी, तब तो हम गड़बड़ कर दिए तब भाई, ये तो घटता है शायद, ये तो जुड़ता है। 33 माइनस 4 30 हो जाएगा तब, वो ये 30 होगा, सॉरी सॉरी सॉरी, अरे हो जाएगा -2 + 1 19 में 2 गया 18 इस तरह किया है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस ये प्लस, तो हो गया 19 में 2 गया 19 से 20 में 18 हो गया ना जी, 30 और 18 48 30 + 18 - 6 यहाँ पे भी गड़बड़ हुआ क्या, मैथ 42 ऑप्शन में है, 42 ये हो गया 30 और 48 आंसर होगा। देखते हैं भाइयों इतना लेट लग गया झूठो एक सवाल बनाने में। अरे बाप रे बाप रे, कैसे कि पता चल गया ना, ये घटाना पड़ता, ठीक बोले, कौन बोला कि घटाना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, एक झूठो का पर कितना मिनट हो गया, 25 हो गया, 26 में हम लोग 15 पहुंचे हैं ना जी, अच्छा 10 मिनट। एक ठोस गोलार्ध का संपूर्ण पृष्ठ कितना दिया हुआ, गोलार्ध का मतलब 4πr² 16,632 आयतन के आठ कटना, अच्छा अच्छा, तो पहले 4 × 16 = 4 × 4 = 20 × 8 = 32 ना जी, अब कटाइए 11 से 11 × 2 = 22 11 × 3 = 33 11 × 3 = 33 और यहाँ पे 7 = 8 11 × 7 = 77 दो से कटेगा, 2 × 2 = 2 8 = 16 × 2 = 18 तो हो गया r² = 9 × 63 हाथ में 6 × 9 = 8 × 56 = 62 62 × 8 = 7 = 13 13 23 किसी का होता है, 7 से भी कटने वाला था नीचे, नीचे कहाँ कर 22/7 अरे इससे कैसे, इस तो गुना होगा ना, बराबर है, कहीं गुना का गड़बड़ हो गया लगता, 9 × 7 = 63 हाथ में 6 × 8 = 56 6 × 62 = 62 6 × 7 = 13 13 23 किसी का वर्गमूल होता है क्या, फिर से बढ़िया से करो, बढ़िया से करो, गुना भाग लगता गड़बड़ हो गया, फिर से गोलार्ध दिया है, गोलार्ध था कि खुला था, गोलार्ध है, गोलार्ध है, हाँ तोरी भला, तो 2 3 π r² r बराबर हो गया 16 × 632 ठीक है, माइंड ना करे, हो जाता है मिस्टेक, तो यहाँ पे गोलार्ध था ठीक है, 3 से प्लस कटाए 3 × 5 = 15 3 × 5 = 15 3 × 12 3 × 12 अब 11 22 से कटा देते हैं, 11 × 2 = 22 11 × 5 = 55 11 × 6 = 14 2 × 2 = 2 4 × 2 = 10 2 × 4 = 52 इसीलिए r² = 7 × 14 हाथ में 1 5 × 35 = 36 7 × 14 = 1 14 × 3 = 1764 r = हो गया 1681 यानी होता है 42 का, तो r = कितना हो गया 42 इसीलिए आयतन होता है 2/3 पाई का मान 22/7 × 42 × 42 × 42 7 × 7 = 42 3 × 2 = 2 2 × 4 × 8 × 16 × 32 लास्ट में 2 अलाची ऑप्शन में, मजाक कर दिया तुम लोग, बना लेना गुना भाग तुम लोग कर लेना ठीक है, तो 15 नंबर भी यहीं पे समाप्त होता है। आइए सुस्ताओ मत, सुस्ताओ नहीं एकदम, 1 घंटा डेढ़ घंटा सुस्ता ना काट, तो चलिए हम लोग 16 नंबर में देखते हैं, 16 नंबर क्या कहा जी, 16 नंबर बोलता है एक वस्तु के मूल्य कितना वृद्धि किया गया 45% बहुत बढ़िया, उसके बाद कितना वृद्धि छूट दे दिया 15% तो पहले 100 था 145 कर दिया गया, उसमें छूट दे दिया 15% का, मतलब 85% का हो गया ठीक है, अब बोलता है कितना वृद्धि कमी हो, यही ना, अच्छा तो कटाने आता है क्या, 17 ये 20 17 ये 20
पांच के 29। अरे बपरे 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 पहाड़ावा हम लोग पढ़वा रहा है देख लीजिए, हम लोग नहीं बोलते थे तो 17 17 200 29 29 कहाँ पढ़ाने आता होगा, 17 कहाँ पढ़िए, 17 नमा 53 से 15 और 17 दुना 34 और 15 49 और गुने 17 और बटे 80 तो आइए 17 51 5 17 नमा 153 5 58 15 और 17 चौका 68 और 15 83 ठीक लिए हैं बटे 80 तो हो गया 8 एकम 8 0 8 चौका 32 32 32 8 7 56 5 8 6 48 3 8 दुना 24 हो गया। तो इसका अपना पॉइंट भाई यहाँ आ जाएगा 104.763 ये हुआ यहाँ पे बटे 10 था तो 4.763% का वृद्धि हो गया। तो कितना खटवा देता है गुना भाग में आजकल जी, हम रोज बना रहे हैं अब ये चीज दिमाग में आ रहा है कि रोज खटवा रहा है खाली 4.7625। अरे भाई तीन के जगह या दो हमें एक लाख, चलिए ठीक है वो वृद्धि हो गया ना जी। तो ऑप्शन में वृद्धि वाला एक एक है उस तरह का। अब हम लोग पहुंच गए 17 नंबर ठीक। एक घंटा जो जुनून का कमी न रखना समझे कि नहीं, मैथ पढ़ने में कोई भी कमी ना, खुद भी साथ साथ सॉल्व कर रहा ना मेरे साथ, मेरे साथ सॉल्व कीजिएगा तो इससे क्या होगा तुम्हारा आदत बना रहेगा और मेरे साथ लिखते भी हो तो अच्छा लगता है, बट थोड़ा खुद भी सॉल्व करो मजा आ जाएगा। 17 नंबर में देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। नीचे दी गई तालिका में सरकारी कंपनी 6 वर्ष इतना दिया हुआ, अब पढ़ते कुछ क्वेश्चन है। सरकारी एजेंसियों द्वारा वर्ष 2016 में लगवाए गए सागौन का वृक्ष कहने हैं 2016 में सागौन का वृक्ष कितना है जी? 25,000 लिख दो, उसके बाद जो होगा कहा। 2017 में लगाए गए सागौन के वृक्ष की संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ी? अच्छा अच्छा 2017 में 17 में जाइए 35,000 10,000 बढ़ा। अच्छा कितना बढ़ गया? 10,000 25,000 में परसेंटेज निकालना है क्या? तो इसलिए 100 पे यही ना। तो क्या सुनना घटा? 300 गया मामा घर 1,000 तो 2500 का 100 तो इसका 40% दिख रहा है। अभी की चाहिए क्वेश्चन में इतना लंबा देखने में दे देता है और आंसर बा फट आ जाता है, है? हम लोग साथ मजाक करता है। 18 नंबर देखे हैं? यस सर। 18 नंबर हमारा प्यारे बच्चों कह रहा है कि एक छात्र को 4 विषयों में प्राप्त अंक कितना है? 4 विषयों में प्राप्त औसत अंक कितना? 4 × 75 मतलब 300 होता है ना जी। एक विषय और जोड़ दिया जी 70 आ जाता है, जोड़ा तो कुल अंक 70,000 7 × 35 350 तो बोलता कितना जोड़ा गया ना? देख लियो कभी कभी कुछ क्वेश्चन जो है ना ऐसे ही बन जाता आराम से ठीक है। 19 नंबर के भेज दिए दो गो ऑप्शन इधर और दो गो आइए नहीं है तो बस इसको नहीं बनाना है ठीक है। मतलब बड़ा बोलता है कौन तो 10 वाला निकाल करके यार अपने पता कर लो, ऐसे हम दो को में तुलना कर देंगे बोल देते हैं 2/3 हो गया 0.66 5/40 ऊपर दिख रहा है 4/5 आंसर लेकिन आगे देखना होगा ना। तो क्वेश्चन नंबर 19 नहीं है क्योंकि वहाँ पे कटा हुआ, आप लोग खुद बना लेंगे हमको पूरा भरोसा है, वैसे सारे क्वेश्चन आप खुद बना पाएंगे बट फिर भी वीडियो को देखिए, इससे होगा हमारा फायदा और हमारे स्टूडेंट का भी फायदा होगा क्योंकि उनका मदद कर पाएंगे। हमारे वीडियो बनाने का मेन मकसद है आप लोग को आगे बढ़ाना, साथ ही साथ हमारे जो भी स्टूडेंट हमसे जुड़े उनको भी कुछ न कुछ मदद करना। तो आप लोग जल्दी जल्दी हमको $100 जल्दी कंप्लीट करवाइए क्योंकि इस बार बहुत ही धीरे धीरे जा रहा है ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 बोलता है x² / y² बहुत बढ़िया प्लस y² / x² बहुत बढ़िया 7 अच्छा अच्छा x³ + y² तो बोलता है x³ / y³ अच्छा x³ / y³ प्लस y³ / x³ बराबर क्या होगा यही पूछा। नो नो मारे एक्चुअली किस तरह जानते हैं, ये दिया हुआ a² और +1/a² इस तरह दिया हुआ समझना होगा ठीक है, बराबर दे दिया है 7 और उसके बाद निकाल देंगे, उसके बाद दे दिया है a³ और +1/a³ ये पूछा है तो चलिए कोई बात नहीं है हम +2 इधर भी जोड़ देते हैं तो a+1/a हमारा जो हो जाएगा
एक बार लिख लो तुम लोग का दो दो उधर भी सात प्लस दो ये हो जाएगा ए प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर नौ ए प्लस वन बटे कितना आ गया तीन। तो वो कौन बड़ी चीज है जी, तो इसको सिक्वेंस किए हैं जी ए ये हो जाएगा ए क्यू और माइनस थ्री ए याद है ए क्यू मतलब तीन का क्यू सत्ताईस और माइनस तीन तिया नौ अठारह। तो पैटर्न को समझना होगा खाली ठीक है, क्वेश्चन दम नहीं था लेकिन पैटर्न को समझना वहां पे समझ में नहीं आता है। पैटर्न समझ गए थे ना ठीक है, आप लोग भी समझदार होते जा रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग साथ हम समझदार होते जा रहे हैं। अच्छे से उतारिए एकदम फटाफट उतारिए, देर न कीजिए लेट न कीजिए एकदम, अभी लगातार वीडियो हम लोग दे ही रहे हैं एकदम जनवरी फरवरी से देखते हैं, अभी कुछ बोलने बोलने से फायदा नहीं है ठीक है, जो बोले हैं ग्रुप में बोले हैं तो बहुत जल्दी बहुत होगा, जब होगा तब बोलेंगे, पहले बोलने से डायलॉग मारने से नहीं बढ़िया लगता हमको, पहले काम करने पर बिलीव रखते हैं हम अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21, एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य बेचने का दावा, बेचने दो ना जी, लेकिन एक किलोग्राम के जगह पे कितना बेचता है, ये तो एकदम सिंपल सा है जी, यानी कितना का फायदा मारा है एक सौ, ये तो ऐसे जब एक चीज बोले ना तो वो एनएससीएल लेने जरूरत नहीं पड़ता सीधे, एक सौ बटे नौ सौ पे तुलना करना है बुने सौ, तो भैया ग्यारह पूर्णांक एक बटे नौ परसेंट का लाभ है ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, अब बड़का बड़का बना दे तो उसमें परसेंट लाभ हानि है कि नहीं, ये कौन बड़ी चीज है क्या पंकज ठीक है ना, किस पर बात करते जितना तोलता उस पर ही बात होता है ठीक है, एक केजी के जगह कितना तोलता है 900 ग्राम, 900 पर तुलना करेगा ठीक है, गड़बड़ाने जाना ठीक, एक सौ एक हजार न कर देना 10% आ जाएगा जबकि फायदा ज्यादा हुआ है ठीक है। तो 22 नंबर में देखते हैं, 22 नंबर में कहा कि पी क्यू का रेशियो, अरे रेशियो खाली पूछा है क्या पूछता है इतना, चलिए कोई बात नहीं, अरे जब इजी मिलता है ना तो हम लोग कदर नहीं करते हैं, इसलिए कहते ना जो बढ़िया वाइफ मिले ना तो कदर न करो मिले तो बहुत तो यही कदर यहाँ भी करना है ठीक है, पी क्यू आर यही ना है जी सर, आखिरी बार दे दिया ग्यारह बार, ये तो आसान दे दिया दस बहुत बढ़िया 10 11 12 ठीक है, आप बोलता पी प्लस क्यू, देखिए पी प्लस क्यू 11 10 21 अनुपात 23 11 12 23 तैतीस ना बा तेईस और तेईस ग्यारह यही देख लीजिए ना, केस तेईस का ऑप्शन क्या है, एक 22 होगा सर 12 10 केस तेईस का ऑप्शन एक एट होने हैं, एक एट हो ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी बताइए 22 नंबर में, 23 नंबर में देखते हैं मिटा दे परेशानी ना, परेशानी खाली बता देना ठीक है। तो चलिए हम लोग 23 नंबर में, 23 नंबर में बोला प्यारे बच्चों 15% छूट देने के बाद इतना बेचता है, मशीन पर कितना मूल्यांकित किया जाना चाहिए, तो एक 22 700 700 15% छूट देने के बाद है, इसका मतलब 100 बटा 85 बहुत बढ़िया 17 से ही कटेगा 17 5 85 और 17 8 36 से 17 7 79 3 17 7 37 17 34 निकटतम बोल रहा है जी, अरे भैया अरे भैया भाग देना, ये बापरे बापरे 17 20 अरे ये 20 इन्हें कटा है तो जी 000 ना और ये 2 से गुना करो 7 2 14 5 4 2 अब बटे 17 17 यहाँ पे हो गया 7 17 चौका 68 फिर 7 17 चौका 68 6 17 तिया 51 तीसरा नंबर ऑप्शन हाँ इस तरह है हाँ। तो इसका मतलब हो जाएगा 14 43 और 14 43 जो है एक के ऑप्शन में है तीसरा में ठीक है, तीसरा में सी ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ ना जी। तो 24 नंबर देखते हैं सीधे, 24 नंबर
24 नंबर में बोलता है एक नाव धारा वापस है स्थिर में नाव को पहले बता दें नाव की चाल को हमेशा क्या मानते हैं एक्स कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत ही बढ़िया और धारा की दिशा में जाने में और वापस